हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। ये मेरे घर की पास एक पार्क है, उसका नज़ारा है, देखिए बहुत अच्छा है। ये शाम का टाइम है, अब मैं मिल्क बॉईल कर रही हूँ। शाम के टाइम में तो मेरे हस्बैंड हमेशा ऑफिस में रहते हैं, तो मैं सिर्फ मेरे लिए ही चाय बनाती हूँ और मेरी बेटी के लिए कॉम्प्लान मिल्क से साथ कॉम्प्लान लेती है वो। मैं वन कॉफ़ी बनाती हूँ चाय। ये मेरी बेटी के लिए मिल्क के साथ थोड़ी सी कंप्लेन, वो सिर्फ बिस्किट ही लेती है। और मुझे पसंद है थोड़ी चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स लेने की, मुझे बहुत पसंद है। और चाय पीने के बाद मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। अब मैं बना रही हूँ एक मसाला, एक को बॉईल करने के बाद मैं अभी फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अब फिर से थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं मस्टर्ड सीड्स दूँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैं ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटर काट के रखी थी, लेकिन मैं पहले कैप्सिकम को फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर आप कैप्सिकम को पहले से फ्राई नहीं करेंगे तो उसका कच्चापन रहता है। कैप्सिकम थोड़ी सी फ्राई होने के बाद आप ऑनियन और दूसरी चीज़ ऐड कर सकते हो, वो बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी सॉल्ट ऐड की हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, फिर मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए, अब मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सब्जी मसाला। थोड़ी सी भुनने के बाद अभी मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को मिक्स करके थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर मैं अभी ऐड कर रही हूँ एग। बस ये बन गया है और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सी ऐड की मैंने मस्टर्ड ऑयल, सो दैट वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर लास्ट में आप थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो ये बन गया है मेरा एग मसाला। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।